रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान इस हैसियत में नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। 10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला है। चाइना भी उनके साथ है तो ये अटैक तो दो तरफा होगा। 27 सितंबर को टाइगर का मैसेज रिलीज किया गया। ये YRF स्पाई यूनिवर्स की नई फिल्म टाइगर 3 से आने वाला पहला प्रमोशनल मटेरियल है। जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस टीजर नुमा क्लिप ने आते ही शाहरुख खान की जवान का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड है YouTube लाइक्स का। अब तक सबसे तेज 100K यानी कि 1,00,000 लाइक्स पाने वाला बॉलीवुड टीजर था जवान। इस फिल्म के प्रीव्यू ने 12 मिनट में 1,00,000 लाइक्स बटोर लिए थे, मगर टाइगर 3 इस रिकॉर्ड को लांग गई है। सलमान खान स्टारर टाइगर का मैसेज को टाइगर 3 का टीजर बताया जा रहा है। इस क्लिप को 1,00,000 लाइक्स तक पहुंचने में मात्र 9 मिनट का वक्त लगा, जो कि किसी भी बॉलीवुड फिल्म टीजर के लिए सबसे तेज है। वहीं पठान के टीजर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। पहले 24 घंटों में 80 मिलियन व्यूज। इसे SRK के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन भाषाओं में 38 मिलियन से अधिक बार देखा गया था, जबकि हिंदी वर्जन को 30 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर टीजर को तीन भाषाओं में 18 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जबकि फेसबुक पर पहले 24 घंटे में 7 मिलियन से अधिक बार देखा गया। YouTube पर पठान का टीजर 1.13 मिलियन लाइक्स के साथ टाइगर के मैसेज आने से पहले तक का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला हिंदी फिल्म टीजर बन गया था, जिसने आदि पुरुष के 1.09 मिलियन लाइक्स को पीछे छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि टाइगर का मैसेज में सिर्फ टर्की में शूट हुए एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। रशिया, ऑस्ट्रिया और दुनिया के कई देशों में टाइगर 3 की शूटिंग हुई है। उन सीक्वेंसेस को छुपा कर रखा जा रहा है। फिल्म के मेजर एक्शन सीक्वेंस को ट्रेलर में जगह दी जाएगी। टाइगर का मैसेज का मकसद ये था कि पब्लिक को पता चल जाए कि ये फिल्म किस बारे में है, उसकी दुनिया की बुनियादी जानकारी जनता तक पहुंच जाए। उसके बाद ट्रेलर आएगा जहां फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन पर बात होगी, साथ ही अन्य किरदारों की भी झलक देखने को मिलेगी। टाइगर 3 फिल्म यशराज फिल्म्स के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म है। इसे 350 करोड़ रुपीज के बजट पर बनाया गया है। मेकर्स चाहते हैं कि ये फिल्म उनकी पिछली सभी फिल्मों से बड़ी ओपनिंग और लाइफ टाइम कलेक्शन करे। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। YRF ने देश भर में मजबूत ऑन ग्राउंड प्रमोशन शुरू कर दिया है। स्क्रीन बुक हो रहे हैं। खबर ये भी है कि टाइगर 3 को दिवाली के अगले दिन पड़े सोमवार को रिलीज किया जाएगा, ताकि दिवाली की छुट्टी का फायदा उठाकर हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग ये दर्ज करवा सके। टाइगर 3 में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रणवीर शौरी, रेवती और रिधि डोगरा जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। शाहरुख खान पठान के किरदार में गेस्ट रोल करेंगे। इस फिल्म को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है, जिन्हें बैंड बाजा बारात और फैन जैसे फिल्में डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है। टाइगर 3 दिवाली 2023 पर सिनेमाघरों में लगने वाली है। रिलीज की तारीख अब तक नहीं बताई गई है। तो आपको इस फिल्म का कितना ही इंतजार, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।